पीटर, हमारा पीटर फसलों को पानी दे रहा है। और ये गाइस मैंने बनाया है बो डीजल नहीं लेते। ये कितने की होगी? ये मैं ये लूंगा। और ये चटनी दही और ये केक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अब रमज़ान शुरू हो गया है। मैंने सुबह सहरी की है, उसके बाद आज मुझे रोज़ा है। फिर जो कुछ दिन मेरा व्लॉग नहीं आया, वो गाइस मैं आपको बता दूँ क्या हुआ। बीच में ना उस्मान भैया की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए गाइस आप इस वीडियो में देखें उस्मान भैया का ऑपरेशन हुआ है। फ्लैशबैक। तो गाइस अभी हम हॉस्पिटल आ गए हैं। उस्मान भैया की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, अभी उनको ले गए ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ पर उनका इलाज होगा। ये देखिए कितना बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है। ये देखें ये रूम्स, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या ले जाते हैं सबको। ये देखिए कितना बड़ा है। अभी हम बाहर बैठे हुए हैं। अभी ये देखें ये रूम हो रहे। तो गाइस अभी ऑपरेशन हो गए, अभी हम जा रहे हैं उनको उनके रूम में छोड़ने। अभी उनका रूम पता नहीं किधर है, बस चलते जा रहे हैं। वो जा रहे हैं सामने वो लोग। अभी तो गाइस अभी हम रूम में पहुंच गए हैं। देखें ये है रूम और ये सोए हुए हैं उस्मान। नेक्स्ट डे। रात को तो मैंने हॉस्पिटल नहीं देखा था, अभी मैं देख रहा हूँ। देखें इतना प्यारा और बहुत बड़ा भी है। देखें बहुत आगे आगे तक है, खुला खुला। सुबह हो गई है और देखें अभी तक सूरज भी नहीं निकला। अभी हम यहाँ पर फिर रहे हैं। वैसे मैंने कहा चलो सुबह सुबह का मौसम इंजॉय करते हैं। और ये देखें इतना दरख्त हैं, बहुत बहुत प्यारे, कुछ गोल हैं, किसी से शक्लें बनी हुई हैं। और यहाँ पर फूल वाले पौधे नहीं, फूल वाले होते हैं ना अच्छे लगते हैं। ये यहाँ पर ग्राउंड भी है लेकिन मैं जा नहीं रहा साइड पे। ये फिर ये देखें ग्राउंड और बहुत आगे आगे तक गली जा रही। फातिमा भी मेरे साथ है, नींद आई हुई है फातिमा को। तो गाइज अभी हमने यहाँ तक तो चक्कर लगा लिया है। तो गाइज अभी देखें मौसम इतना प्यारा है और प्यारे प्यारे पौधे। अभी गाइज मैं अभी अंदर जाऊंगा, फिर आपको अंदर की एंट्रीज भी दिखाता हूँ कि कैसे अंदर होते हैं। तो गाइज यहाँ से ये देखें एंट्रेंस है और ये हॉस्पिटल है भी राजनपुर में। और अभी देखें दरवाजा का, दरवाज़ा खुल भी नहीं रहा। और गाइस सामने सामने मछलियों का टैंक है, बहुत छोटा सा, कितना प्यारा लगता है। अंदर एंटर सामने सामने मछलियाँ फिर रही होती हैं। और ये देखिए कितना बड़ा है ऊपर से छत। और ये देखिए ये ब्लू ब्लू अंदर लाइटें हैं, मछलियाँ है। एक ऐसे लग रही शार्क है, छोटी सी, बहुत बड़ा है ये देखिए। ये है नेक्स्ट। तो गाइज हमने रमज़ान की शॉपिंग कर ली थी, उसकी ग्रोसरी भी ले ली थी, सारा कुछ जो जो हमें चाहिए था वो आप ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइज, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। तो गाइज अभी हम आए हैं राजनपुर और अभी हम आ गए हैं मदीना मार्ग। यहाँ से हमने कुछ सामान और चीज़ें वगैरह लेनी है, वो हम लेते हैं, अपनी पूरी वगैरह करते हैं। किधर के सारे उतर, यहाँ से भी मैं कुछ लूँगा। सारे किधर चले गए? वो गए ठहरे हैं सारे यहाँ पे हैं। अभी ना हमने ट्रॉली ले ली है, इसमें हम चीज़ें रखते जाएंगे। देखो यार कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी। देखो यार कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ये खुलता है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें। गाइस देखे अभी ये ऐसे हमने लिया कार, पता नहीं कहाँ से लिया, अभी लिया तो नहीं है सर, फिर वापसी रख देंगे। मैं भी कोई चीज़ देखता हूँ जो खाने की हो। एक चीज़
कैट फीट, नहीं हमारे पास कैट तो है नहीं, तो किधर आ गया, इधर जा रहा है। डीजल नहीं लेते, ये कितने की होगी, ये मैं एक ये लूंगा, ना मैं एक ये लूंगा, ये क्या है, है दवाई है, ये क्या है, ओए ये ले बनती है, मैं तो ये लूंगी, क्या लोगी, ये लोगी भूत वाला, मैं तो ये ले रहा हूँ, तो गाइस मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगी, बाबा से गाइस इसका पता करते हैं, वो सामने ठहरे हैं, छोटे बच्चों के लिए कितना प्यारा है, पता नहीं कैंची है, हमारी काम की कुछ नहीं है, हमारी काम की सारी चीज है, पहले तो ये क्या पड़ा है, अबे 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 फुल हो गई, ये तो फुल हो गई, और ये क्या मसला, गाइस हमारा पीटर है, और इधर ठहरा देते हैं हमारा पीटर, ओए बड़ा गिर गया, ये हमारा पीटर, हमारा पीटर फसलों को पानी दे रहा है, और ये गाइस मैंने बनाया है बोतल ढूंढ के, ऐसी बड़ी अभी ढूंढूंगा, उसके ऊपर यही ढक्कन लगा के बीच में मैंने एक सुराख किया इसके जैसा, इसके बराबर का, फिर मैंने ना ये लगा दिया, फिर यहाँ से मैंने खोल दिया, वहाँ से पानी आ रहा है, सच्ची में पीटर ही बन गया है, मुझे ऐसे करके बैठना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर रखना पड़ता है तो आता है पानी, देखना मैं नीचे करूँ, नीचे ऊपर, तो गाइस ये देखें मटर है, और इसके ऊपर से कुछ कुछ मटर भी आ गए हैं, ये देखें, और किधर गए, और मटर, एक बच्चा है यहाँ पर भी हो रहे हैं देखें, इसके अंदर दाने भी हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे, पानी ख़त्म होने वाला है, ये जल्दी से इस छोटे मटर को दे देते हैं, पीटर 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 ऐसी बड़ी बोतल हो ना, आता रहेगा पानी, आता रहेगा, वो ख़त्म हो गया पानी, क्योंकि वहाँ से पानी कम हो गया और यहाँ से ख़त्म पूरा, गाइस देखो यहाँ पर ट्यूब में सारा फंस गया पानी, अब मतलब ख़त्म, गाइस अभी हम रोज़ा इफ्तार करने के लिए अभी हम बना रहे हैं पकौड़े, हमने कुछ तो वहाँ बना लिए, और इधर हमने और ये भी हम खाएंगे देखिए, और ये चटनी दही, और ये केक और बिस्किट्स, और ये तो गाइस आज ना मैंने लिया आइसक्रीम्स, एक फार में खा ली तो मैंने बाकी रख दिया फ्रीजर में, मैंने कहा मैं अफ्तारी के टाइम खाऊँ, क्योंकि पहले जब फार में ली मेरा दिल चाहता था कि मैं भी खा लूँ लेकिन मैं खा नहीं पाया, मैंने कहा चलो अफ्तारी के बाद खा लूँगा, पकेंगे और हम पकाएंगे। तो गाइस अभी मुझे इतना भूख लगी है और प्यास लगी है, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं सारा कुछ खा जाऊँ, जो भी किचन में सारा सामान पड़े, फल पड़े हैं, फिर सारा जब बना रहे पानी, दिल तो कहते पानी के टब भर के पी जाऊँ, इतना प्यास लगी है और भूख लगी हुई है, इतना सा पेट होता है ना हमारा, क्या ये जानो कि मैं उठा लूंगा सब। तो गाइस अभी मुझे इतना भूख लग रही है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, दिल कहता जैसे ही नमाज हो फौरन एक उठा के खा लूंगा, नमाज हो अजान, जब अजान होगी ना मैं फौरन एक उठा कर खा लूंगा वो पकौड़ा, और ये बहुत भूख लगी है, परसों कहता है